दोस्तों, हाल ही में चर्चा अदानी ग्रुप के शेयर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शेयर बाजार में हाहाकार का माहौल देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अदानी के शेयर 85% तक नीचे आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि शायद ये मौका है अदानी शेयर में, अगर आप निवेशक हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये शायद मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये डिसीजन फाइनली आपका होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जब बाजार में खबरों का माहौल गर्म होता है और हर तरफ से अफवाहें उड़ रही होती है या ऐसी कोई न्यूज फ्लो कर रही होती है जिससे आप टेंशन में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च के ऊपर भरोसा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स कौन लेके आ रहा है, कहां से आ रही है, इसके पीछे तथ्य क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, क्या है इस रिपोर्ट के पीछे की वजह है या क्या नहीं वजह बाजार में अदानी ग्रुप के शेयर का 20% से ज्यादा गिर, और क्या करना चाहिए आपको, इस वीडियो में पूरा देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज वीडियो कौन तक देखिएगा और प्लीज एक लाइक हिट कर दीजिए, क्योंकि शायद ये कंटेंट, ऐसा कंटेंट आपको किसी और जगह ना मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके कमेंट करके आगे बढ़ेगा, ताकि हम मोटिवेट हो ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार में वाकई अदानी के शेयर 85% तक गिर सकते हैं, क्या देश का नंबर वन उद्योगपति बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, क्या आपके शेयर फिर से पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या आपके साथ फिर से धोखा होने वाला है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और आखिरी में मैं अपना व्यू पॉइंट आपसे देने की कोशिश करूंगा, जिसके ऊपर हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप सहमत ना हो, बट मैं आपको बता दूं ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं बनाई गई है, ना ही किसी ने इसको स्पॉन्सर किया है। ये मेरा पूरा अपना व्यू है, जो मुझे लगता है कि बाजार में क्या होना चाहिए वो आपसे शेयर करने की कोशिश करो, हो सकता है मैं गलत हूं, तो प्लीज अपने रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए, कोई भी बाइंग नहीं की आपको एडवाइस इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं दे रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं क्यों गिरे अदानी के शेयर और क्या हमें अदानी के शेयर से निकल जाना चाहिए। डिसीजन विल बी फाइनली योर्स। Let's begin the video. अदानी के शेयर में बिल्कुल भूचाल सा आके रखा, क्या होगा निवेशकों का। अदानी ग्रुप आज दिन भर चर्चा में है, चर्चा की वजह है अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग। जो हिंडनबर्ग को नहीं जानते बता दूं वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है, उनकी रिसर्च की रिपोर्ट आई है जो एक नेगेटिव रिपोर्ट की तरह उभर के सामने आ रही है। इस रिपोर्ट के चलते दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि अदानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी कर रहा है, ये सब स्कैम है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी के ऊपर 88 सवाल उठे, 88 questions दे उठाए। हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल है तो रिसर्च रिपोर्ट पूरा देखने पे पता लगेगा, बट क्यों इन शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है और कितनी घट गई अदानी ग्रुप की मार्केट कैप और LIC के निवेश का क्या हुआ हाल, जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे बढ़िएगा वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपको शायद गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का MD क्यों बना के रखा गया। ये वही राजेश अडानी है जिनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप भी शामिल। हिंडनबर्ग ने पूछा कि गौतम अडानी के बहनों ही समीर वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। गंभीर सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च का एक आरोप यह भी है कि अडानी ग्रुप का जो शेयर चढ़ाने के लिए परिवार के पैसे को विदेशी रूट से निवेश करके ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया जाता है, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा जाता है, कारोबार बड़ा चार्ट में दिखाया जाता है, परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे हैं, विवादों से जुड़ा खातों में गड़बड़ी, इसने 8 साल में 4 CFO इस्तीफा भी दे चुके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं उनका नाम कंट्रोवर्सी से तो हमेशा जोड़ा ही जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए इन दावों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट देखी। अडानी टोटल गैस के शेयर पर अगर देखें तो 20% का लोअर सर्किट लगा, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 20% तक धराशायी हो गया। अंबुजा सीमेंट में 22% की गिरावट देखने को मिली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है वह यह है कि अदानी ग्रुप के शेयर 85% तक टूट सकते हैं, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट जबरदस्त देखी। बाजार में हाहाकार का माहौल था, लोगों को लगने लगा जब अडानी जैसा ग्रुप जिसमें बैंकों का इतना खतरा, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के वनस्पत बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वही निफ्टी जहां 200 पॉइंट के आसपास में गिरती दिखाई दी, बैंक निफ्टी 1200 से 1300 पॉइंट तक लुढ़क गई इंट्राडे में आज की 27 जनवरी की डेट है, राइट। तो क्या ऐसा है कि बैंक्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि अडानी ग्रुप ने बैंक से बहुत भारी कर्जे ले रखे हैं। तो क्या आप ये सच जानते हैं कि कर्जे सिक्योर है या नहीं, इस वीडियो के अंत में देखने की जरूर कोशिश करेंगे।
फाइनल व्यू पॉइंट आपके होने वाला है। अदानी ग्रुप के मार्केट कैप में भी भारी गिरावट देखी होगी। दो दिन के अंदर अदानी ग्रुप का जो 4.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था वो साफ हो गया। 19.4 लाख करोड़ से घटकर 15.3 लाख करोड़ तक मार्केट कैप आ गया। दो दिन में अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज्यादा गिरावट देखी होगी, कम से कम 20% के आसपास गिरावट देखी होगी। 9 में से 6 लिस्टेड कंपनी के शेयर 20% से ज्यादा गिरे। लिस्टेड कंपनी ने 60,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप कमाया। दो दिन के अंदर इतना के शेयर मार्केट कैप हुआ है एक बार रिजल्ट डाल गया। अदानी एंटरप्राइज ने 64,000 करोड़, 16%, अदानी पोर्ट ने 36,000 करोड़, अदानी टोटल ने 110,000 करोड़, अदानी ट्रांसमिशन में 84,000 करोड़, अदानी ग्रीन में 68,000 करोड़, अंबुजा सीमेंट में 23,000 करोड़, अदानी पावर में 10,000 करोड़, एसीसी में 9,000 करोड़, 20% गिरा, अदानी बिल्डर 7,000 करोड़, 10% साफ हुआ, कुल मिला के 4,11,000 करोड़ साफ। बात करें अगर एलआईसी की निवेश वैल्यू की, वो भी 18,300 करोड़ के आसपास गिरती दिखाई दी है। इनमें जो सबसे बड़ा रोल निभाया वो था अदानी एंटरप्राइज ने, जिसने 2700 करोड़ का घाटा दिया। अदानी टोटल ने 6,350 करोड़ का, अदानी ग्रीन ने 875 करोड़ का, अदानी ट्रांसमिशन ने 3,050 करोड़, अदानी पोर्ट ने 3,300 करोड़, एसीसी ने 570 करोड़, अंबुजा सीमेंट ने 1,460 करोड़, और कुल मिलाकर 18,375 करोड़ का घाटा एलआईसी की वैल्यूएशन में भी गिरता दिखा। आइए जानते हैं कि अदानी ग्रुप का रिस्पॉन्स क्या है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने गैर भारतीय इंस्ट्रूमेंट से अदानी ग्रुप में शॉर्ट पोजिशन ली है। हालांकि अदानी ग्रुप ने रिपोर्ट को आधारहीन बताया है। ग्रुप ने मीडिया स्टेटमेंट में कहा है कि रिपोर्ट छापने से पहले हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया। हिंडनबर्ग ने तथ्यों की जांच किए बिना रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में गलत जानकारियां दी गई है, लगाए गए आरोप कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुके हैं। कंपनी का कहना यह भी है कि एफपीओ आने से पहले रिपोर्ट गलत इरादे से छापी गई है। ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों का पालन किया जाता है, निवेशकों का उन पर भरोसा है। दोस्तों अंत में आपको एक लिंक समझाने की कोशिश करता हूं कि शायद उससे आप वाकिफ हों या ना। अगर देखेंगे तो अदानी का जो कद है ना, जो फाइनेंशियल कद है, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। और हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम गर्व महसूस करते हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अगर हमारी कंपनी देश दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है तो इसमें गलत क्या है। और आने वाला दशक नहीं, आने वाले 100 साल हमारे हैं, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कहने लगे हैं। 100 साल की बात नहीं करता हूं, बट कम से कम एक दशक तो हमें दिखाई देता है। जिस ग्रोथ स्टोरी पे इंडिया है, जिस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंडिया चल रहा है, या जिस डिमांड या यंगेस्ट पॉपुलेशन होने का दावा कर रहा है, जिस वंदे भारत की हम बात करें, जिस भारत वाला प्रदेश की हम बात करें, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, जिस ट्रांजिशन की हम बात करें कि इंडिया एक एग्रो इकोनॉमी से एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में बनता जा रहा है, उसे ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक जबरदस्त हो सकता है। अदानी के अगेंस्ट जितने भी आरोप है बिल्कुल सही हो, अगर गलत हुए तो हो सकता है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक हिंदुस्तानी कंपनी अगर वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली है तो शायद बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां हिल जाती। वहीं एलन मस्क की अगर बात करें, हालांकि ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, बट मेरा मानना है, आप अपना मानना कुछ भी कर सकते हैं, अगर एलन मस्क की बात की है, जो शायद दुनिया के दिग्गजों में से आते थे, कहीं ना कहीं बार बार देखा जा रहा था कि अडानी ने एलन मस्क को पीछे छोड़ा, अडानी ने एलन मस्क को पीछे छोड़ा। हो सकता है एक एंगल ये भी हो कि ये फंडेड हो। रिसर्च रिपोर्ट्स कुछ तथ्यों के आधार पे की जाती हैं, और यही रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि सालों से, शायद दसियों सालों से, उससे भी ज्यादा सालों से, शायद अडानी ग्रुप ये कॉन्ट्रोवर्सीज करता रहा है, ये मैनिपुलेशंस करता रहा है। दोस्तों अगर सालों से अगर अडानी ग्रुप ये सब कुछ कर रहा था तो अभी तक हिंडनबर्ग कहां थी। मेरा सवाल हिंडनबर्ग से है कि वेयर वर यू, क्या आप बाजार के हाई पे जाने का वेट कर रहे थे, क्या आप अडानी के एफपीओ आने का वेट कर रहे थे, क्या आप ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा एक हिंदुस्तानी एक अमेरिकन को बीट ना करे, या इसके पीछे कोई और विदेशी ताकतें हैं गाइस। क्योंकि देख लीजिए, अगर सरकारों की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार अपने देश के उद्योगपतियों की इज्जत करती है, उनकी ग्रोथ में हिस्सेदार होती है। और वहीं अडानी के अगर जितने भी बिजनेसेस हैं, जो लोन की बात की जा रही है, जिस लोन बुक की बात की जा रही है, जो इतने लाख करोड़ के कर्जे की बात की जा रही है, जो बैंकों से अडानी लेके रखा हुआ है, वहीं वह कर्जा शायद कहीं ना कहीं हर कर्जे में कोलेटरल है। रिपोर्ट की बात की जाए वो भी सिक्योर्ड। अगर हम पेट्रोलियम बिजनेस क्या एनर्जी की बात करें तो वहीं अदानी जितना भी पावर जनरेशन करता है वो सरकार को ही बेचता है। तो अगर वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है, अपने कर्जे बढ़ा रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो शायद कहीं ना कहीं बड़ी एजेंसीज की उनकी सर्वेलेंस पे, कॉम्प्लायंस पे नजर जरूर होगी। अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट के दावे पे अगर बाजार के 20% के सर्किट को झेल सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, दोस्तों मेरा ये पर्सनल मानना है कि शायद अदानी ग्रुप के शेयर्स में ये एक निवेश का मौका हो सकता है। मैं कोई बाइंग सेलिंग की रिक्वेस्ट आपको नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। मेरा नाम विपुल कौशिक है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में 20 साल से हूं, 20 साल से बाजार को गिरते देखा है, चढ़ते देखा है, दुनिया को बनते देखा है, दुनिया को बिगड़ते देखा है, हमने भी लॉसेस खाए, हमने ही पैसा बनाया। पर बाजार में जो निवेशित रहता है वो अंत में विजयी होता ही होता है।
जो बाजार से डर जाता है, जो सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगा रहेगा, उसको भी ऐसे फॉल में जो राइटर्स होंगे या पुट राइटर्स होंगे, जो पुट बायर्स होंगे, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, पुट राइटर्स ने कुछ नहीं बनाया होगा, बट ये चुनिंदा लोग होते हैं जो जिनके पास समझ होती है, जो स्टडी करते हैं, जो बाजार को समझने में, ट्रेडिंग को सीखने में टाइम लगाते हैं, दे इन्वेस्ट देयर हार्ड मनी, दे इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड टाइम, जब जाके वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनते हैं। बट मैं इन सभी नए निवेशकों से या नए ट्रेडर से कहना चाहूंगा, दोस्तों हो सकता है आज आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के स्क्रीनशॉट्स को देखा होगा टेलीग्राम पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, क्या जिसने इतने लाख कमाए, इतने करोड़ों कमाए, आप भी कमा सकते हैं, बट क्या आप उस मेंटेलिटी को मैच कर पाएंगे, क्या आप उस कैपिटल को मैच कर पाएंगे या कम हो जाएंगे? दोस्तों सवाल आपका, जवाब आपके, कोशिश करूंगा ऐसे ही वीडियोस आपके सामने फिर से लेके आऊंगा इसी एनर्जी के साथ में, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ में। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी और स्टोरी को भी मैं कवर करूं और इस अंदाज को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मुझे भी मोटिवेट करेंगे और शायद यूट्यूब को भी ये बताने में सक्षम होंगे, बता पाएंगे कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए एक नया चैनल बनाया जो यूट्यूब शॉर्ट है, जिसका नाम है विपुल के शॉर्ट, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन की जो जानकारी है, चाहे वो निफ्टी के एनालिसिस लेवल्स हों, चाहे वो स्टॉक्स के लेवल्स एनालिसिस हों, ये सब चीजें आपको कोई जानकारी देनी है शॉर्ट के फॉर्म में, मैं आपको उसी चैनल के माध्यम से दूंगा। तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल राइट नाउ, आई नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। आपने पहले भी बहुत प्यार दिया है, 87,000 सब्सक्राइबर्स एक चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी है, दूसरे चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ आपकी प्यार के साथ में, ये संभव नहीं है जब तक आप साथ हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मुझे फिर से 2023 में आपके साथ की जरूरत है, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, कमी रही हो तो प्लीज माफ कीजिएगा और बने रहिए। और दोस्तों सुबह 9 बजे से लेके कम से कम 12 बजे 3 घंटे तक लाइव होते हैं हम डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के, राइट? मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मेरा कॉपी ट्रेड कीजिए, मैं कॉपी ट्रेड के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं आपको अपनी स्क्रीनशॉट दिखा के आपको लालायित करने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कमा रहा हूँ, आप भी ऐसा कमा सकते हैं। मुझे मालूम है सबकी मेंटेलिटी अपनी है, सबके दिल की धड़कन अपनी है। अगर आप चाहते हैं बाजार में लाइव एनालिसिस देखना, जहाँ पे पूरे दिन में शायद 2 या 3 से ज्यादा बेहतर ट्रेड नहीं होते हैं, आपको फोमो में घुसने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की ट्रेडिंग करना या आप चाहते हैं इस तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट पाना, तो आप मुझे 9 से 12 यूट्यूब पे लाइव मिल सकते, डेली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, बाद में कहेंगे विपुल को सब्सक्राइब किया था बट मैं आपको नहीं पाया। चलिए आपसे विदा लेता हूँ इस न्यूज के साथ में, और उम्मीद करता हूँ कि अदानी के शेयर्स में आप क्या करना है, इसमें निवेशित रहना है या निकल जाना है, ये डिसीजन आपका शायद आसान होगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद।